नमस्कार दोस्तों, ये 37 इयर्स के व्यक्ति का पाम है। बहुत अच्छा पाम है, बहुत कम रुकावट है इस पाम में। ग्रह जो माउंट है वो भी अच्छे खासे है। सर्वगुण संपन्न पाम है ये। एक दो तीन रुकावटें हैं जीवन में, एक वर्तमान समय में चल रही है और एक निकल चुकी है और एक आने वाली है। ये तीन रुकावटों को छोड़कर इस पाम में कोई ऐसा माइनस पॉइंट नहीं है। अच्छा खासा व्यवस्थित पाम है और सभी तरह के सुख इनको जीवन में प्राप्त होंगे। और ये पाम को देखे तो इनकी रेखाएं डार्क है। तो जनरली इस तरह की जब डार्क रेखा होती है, या तो वो फाइनेंस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट रहा, चाहे वो ब्याज बट्टे का हो या कोई दूसरा भी प्रोडक्ट रहा। दूसरा, व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी बहुत अच्छा कर सकता है, मेटल से रिलेटेड कोई भी काम अच्छा कर सकता है। ये सारे चीज़ें इनके साथ लगी हुई है। अगर इन क्षेत्रों में ये ध्यान दे तो अच्छा खासा ये प्रोग्रेस कर सकते अपने जीवन में। और न हो न हो, ये इससे रिलेटेड या तो मैन्युफैक्चरिंग से होंगे या फाइनेंस से होंगे या मेटल क्षेत्र से रिलेटेड, कोई ना कोई फाइनेंस क्षेत्र से कोई ना कोई रिलेटेड, कोई ना कोई उस तरह के चीज़ों से ये संलग्न होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्टली, क्योंकि इनकी हाथ की रेखा उस तरफ शो कर रही है। पहली नज़र में देखे तो ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है, कंप्लीट। इनको अगर रेगिस्तान में भी भेज दे तो ये लोग लाखों रुपया कमा के लाएंगे या पानी निकाल के लाएंगे। यानी इतने मेहनती होते ये, और मेहनत के बलबूते पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अच्छा खासा पैसा कमाते। अगर फेट लाइन न भी हो तो भी व्यक्ति लाखों रुपया कमाता है। जब इस तरह का अगर टेक्सचर अच्छा है हाथ का तो व्यक्ति लाखों रुपया कमाता है। बहुत मेहनती हाथ कहा जाता है ये लोग, काफ़ी मेहनती होते। इनका अंगूठा भी स्ट्रांग है और मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। हाँ, थोड़ा सा अंगूठे का जो अग्र भाग है वो नुकीला कम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान भटकता होगा। उसको छोड़कर कोई खामी नहीं है, अच्छा खासा अंगूठा है। और फर्स्ट उंगली बहुत बैंड हो रही है, तो धार्मिक भावना अच्छी खासी होगी इनमें। और छोटी उंगली देखने लायक है, फर्स्ट फैलेंस से भी ऊपर तक पहुँच रही है। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, अकाउंट्स, प्लस जो पैसा कमाते उसका मैनेजमेंट भी ये लोग अच्छी तरह कर पाते। ये सारे गुण इनमें होते हैं। इनका बुध पर्वत देखे तो यहाँ पर एक कमी है, यहाँ से दबा हुआ, यहाँ से उभार है। तो ऐसे लोगों को जब यहाँ से दबा क्षेत्र होता है तो व्यक्ति अपनी फीलिंग नहीं बता पाता, मन की बातें मन में ही रखते, या कहो तो दिल की बातें दिल में ही रखते, किसी के सामने ओपन नहीं होते। और यहाँ पर देखे तो ये पार्ट उभरा हुआ है, तो व्यक्ति को पैसे से ज़्यादा नाम की ज़्यादा चिंता रहती है। और यहाँ पर देखे सूर्य पर्वत पर एक अच्छा खासा त्रिशूल बना हुआ है। ये त्रिशूल व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और ये ही धार्मिक भी बनाता है व्यक्ति को, स्पिरिचुअल बनाता है, जो इंग्लिश वर्ड्स है स्पिरिचुअल। तो ये बेस्ट साइन है और ये धन के मामले में भी अच्छा खासा सहायक सिद्ध होगा। ये भोलेनाथ की भक्ति करे तो अच्छी खासी समृद्धि इनके जीवन में आएगी, और नहीं भी करेंगे तो भी ये साइन अच्छी खासी लाभ देती है व्यक्ति को, अच्छी खासी। और यहाँ पर देखे तो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बहुत स्ट्रांगली बनी हुई है, बहुत ही स्ट्रांगली। ये भी व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी दिलाती है, पारिवारिक भी मिलती है, प्लस व्यक्ति अपनी खुद की भी खरीदता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है, तो प्रॉपर्टी के मामले में ये अच्छे खासे संपन्न रहेंगे। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है जो इनको बेसिक ज्ञान दिलाती है। बेसिक ज्ञान के भरोसे तो नहीं कह सकते, बेसिक ज्ञान के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते होंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे लोग इनको पूछकर काम, ज़्यादा लोग आएंगे इनके पास पूछकर काम करने वाले।
तो ये बेस्ट लाइन है इनके हाथ में। अब शनि पर्वत देखे तो काफी फ्लैट है, और इसी तरह का शनि पर्वत व्यक्ति को जरा भी आलसी नहीं बनाता। ये लोग कार्य के पीछे अच्छे खासे जुटे रहते हैं, और फ्लैट शनि पर्वत बहुत बेनिफिट देता है। और यहाँ पर स्ट्रांग रेखा भी चल रही है, जो एक रेखा गुरु की ओर जा रही है और बाकी की फेट लाइन इस तरह से जा रही है। जब गुरु की तरफ इस तरह की रेखा हो तो दो तीन मतलब होते हैं। व्यक्ति का पॉलिटिकल अप्रोच रह सकता है, सरकारी अप्रोच रह सकता है, दो में से कोई भी एक, या व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति खाने का शौकीन होता है। ये चार में से कोई ना कोई एक पक्ष इस लाइन के कारण लागू होता है, और फेट लाइन एंड तक बनी हुई है, तो धन की कमी इनके बुढ़ापे तक नहीं रहने वाली। अब चलते इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए, काफ़ी व्यवस्थित गुरु पर्वत है, कोई खामी है ही नहीं इस गुरु पर्वत में। और यहाँ पर देखे तो एक स्क्वायर भी बना हुआ है, तो ऐसे लोग 32 साल के पहले खुद का घर या जमीन लेते, बहुत लोगों के घर अच्छे रहते, तो कोई ना कोई दुकान या कोई ना कोई प्रॉपर्टी व्यक्ति 32 साल के पहले खरीदता है, और 36 साल पे अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। और यहाँ पर देखे तो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल रेखाएँ चल रही है, सॉरी, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम की ओर इशारा करती है। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक क्षमता अच्छी खासी होगी, पर बहुत ज़्यादा इलाका नहीं मिला हुआ, फिर भी जॉब मिला हुआ है, अच्छी खासी शारीरिक क्षमता की ओर इशारा कर रहा है। और ऐसे लोग जिनका भारी मंगल और अंदरूनी मंगल अच्छा हो, तो वो जमीन जायदाद अच्छी बनाते और प्रॉपर्टी से काफ़ी लाभ कमाते। और ऐसे लोगों को जो चौथी लाइन जो मैं भूल गया था, ये जमीन से जुड़े या जमीन से निकलने वाले कोई प्रोडक्ट की और भी काम करे, जैसे बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, या इस तरह का जमीन से जुड़ा काम भी इस तरह की रेखा वाले व्यक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्टार बन रहा है, और ये क्लियर कट स्टार है। ये जब भी कुछ खरीदेंगे तो एकड़ों में खरीदेंगे, ये भी जमीन जायदाद की ओर इशारा कर रहा है। एकड़ों में जमीनें खरीदी जाती है जब इस तरह का स्टार मंगल क्षेत्र पर होता है, तो ये प्लस पॉइंट है। और भारी मंगल पर देखे तो एक हल्की सी रेखा है, तो ये पुलिस और कोर्ट के दर्शन करवाती है। और भारी मंगल अच्छा खासा है, जिससे भी मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, व्यक्ति में रिफाइंड सोच होती है, परचेसिंग जब करते हैं तो वैल्यू फॉर मनी टाइप की परचेस होती है इनकी, बेसिक ज्ञान बहुत ज़्यादा रहता है, ये सारे गुण चंद्र पर्वत देता है। और बहुत बार देखा गया है व्यक्ति का विदेश से भी संबंध कभी ना कभी इस तरह के चंद्र पर्वत वालों का आता है। और यहाँ पर देखे तो एक बुध रेखा कंप्लीट अप तक जा रही है, स्ट्रांगली अप। इतनी बड़ी बुध रेखा व्यक्ति को बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट कराने में मदद करती है। इनके हाथ के नीचे काम करने वाले बढ़ते ही जाते और बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट करते अपने जीवन में, ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पर बनने वाला देखिए मनी ट्रायंगल भी कितना बड़ा है, इस तरह का मनी ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इनकम के स्रोत क्रिएट करवाता है, प्लस बहुत सारे धन ये लोग जमा करते अपने जीवन में। और इनके तो एक पूरा ग्रेटर ट्रायंगल ही बन रहा है, तो धन के मामले में तो ये हाथ धन नहीं ओवरऑल अच्छा है, सब माउंट इनके अच्छे, खाली बुध को छोड़कर सब माउंट अच्छे, यानी सुखी संपन्न एक पारिवारिक जिस तरह से घर रहता है और जो जीवन जीता है उस तरह का ये पाम है, तो काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर भी देखे तो स्ट्रांग सूर्य शुक्र रेखा है, ये व्यक्ति को अधिक मात्रा में धन प्राप्त कराती है, लग्जरियस लाइफ होती है व्यक्ति की,
और शुक्र काफ़ी अच्छा है, एक फुटबॉल की गेंद की तरह है, और इनका गुरु भी काफ़ी अच्छा है, और ये दोनों मिलकर ह्यूज लेवल की संपत्ति इनको जीवन में देंगे, ह्यूज लेवल की। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे संपत्ति इनके पास आती जाएगी। अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा को देखें तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक यहाँ से चली और सीधी गई अप टू एंड तक, और एक गई थोड़ा सा पार्ट गुरु पर्वत की ओर। तो थोड़ा सा आदर्शवादी सोच बनाता है, और इस तरह की जो रेखा है यहाँ से जब शुरू होती है तो व्यक्ति पैसे का ज़्यादा सोचता है 24 घंटा, और कामुक भावना रहती है व्यक्ति में, और तीसरा कभी कभी फिजिकल बनता है। और फिजिकल बनने में ये एक प्लस पॉइंट है कि एक रेखा गुरु पर्वत की ओर टच कर रही है, तो उस पॉइंट में ये थोड़े से ना भी हो फिजिकल, पर ये दो पॉइंट तो लागू होते ही है। व्यक्ति 24 घंटा पैसे के बारे में सोचता है और कामुक भावना रहती है, और जिस तरह की इनकी हार्ट लाइन है ये कभी अपना जीवन फ्रीली नहीं जी पाएंगे, कोई ना कोई आपाधापी व्यक्ति के जीवन में लगी ही रहेगी, क्योंकि मोटी हार्ट लाइन है। ये दूसरों के लिए जीते, कभी अपने लिए नहीं जीते, ये इस तरह का इनके साथ रहने वाला, और बहुत सारी झंझटों से सामना होता है। कोई ना कोई बोझा केवल शरीर इनका वहाँ पर प्रेजेंट होता है, मन कहीं और होता है, कहीं पर घूमने भी गए तो केवल शरीर जाता है, मन कहीं और रहता है, इस तरह का इनकी मानसिकता बनती है। और कोई ना कोई सब्जेक्ट चालू ही रहता है इनके साथ, पर हार्ट लाइन ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, साफ सुथरी है, क्लीन है। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन को देखें तो कंप्लीट अंदरूनी मंगल से शुरू होकर सीधी चलकर एंड तक जा रही है, काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है, और अंदरूनी पर्वत से शुरू होती है, तो व्यक्ति बहुत सारे प्लान बनाता है, ज़्यादातर दिमाग में रहते या कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते, और इतनी बड़ी माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत बड़ा बुद्धिशाली व्यक्ति बनाते, और अपने बुद्धि के बल पर ये लोग काफ़ी विकास करते, बहुत ज़्यादा विकास करते। और इनकी माइंड लाइन को देखे तो यहाँ से मोटी है अप टू, यानी ये अच्छा खासा प्रेशर लेकर चलेंगे जीवन भर, और इनकी जो मेमोरी का जो पैटर्न रहता है वो आप और हमारे जैसा नहीं रहता है, ये कोई ना कोई लॉजिक के साथ याद रखेंगे, इनको डायरेक्ट याद नहीं रहता होगा, रट्टा मारने को कहो तो ये कभी नहीं मार पाएंगे, इनको लॉजिक के साथ समझाओगे तब इनको याद शक्ति अच्छी खासी रहती है, पर याद करने का जो पैटर्न होता है वो कंप्लीट डिफरेंट होता है जब आपकी माइंड लाइन मोटी होती है, और आप प्रेशर भी अच्छा खासा झेलते हो आगे बढ़ने का, ये उस तरफ इशारा कर रही है। और उसके बाद काफ़ी बुढ़ापे में जाकर माइंड लाइन सिंगल बन रही है, तो अच्छा खासा प्रेशर झेलेंगे, हार्ट लाइन भी उसी तरह की है, तो पैसा तो कमाएंगे पर साथ साथ में प्रेशर भी बहुत झेलेंगे अपने जीवन में, फ्री नहीं रह पाएंगे, अपना जीवन उत्तम तरीके से नहीं जी पाएंगे, किसी और के लिए ही जिएंगे ये। अब चलते हैं इनके जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा देखें तो बहुत ज़्यादा झिकझक नहीं है, यहाँ तक थोड़ा सा कुछ भी संघर्ष भी दिख रहा है तो यहाँ तक दिख रहा है, और उसके बाद अगर देखें तो इनकी जीवन रेखा पर एक 29 के आसपास एक राहु रेखा का वार है, एक वार ये 29 के आसपास है, और एक वार उम्र 37 के आसपास है, और एक लगभग उम्र होगी ये 42 के आसपास। ये तीन जीवन में डिस्टर्बेंस लाएंगे, एक वर्तमान में इनको डिस्टर्बेंस आया हुआ है, और एक 29 में ये झेल चुके, और एक 42 में और एक डिस्टर्बेंस आएगा, उसको छोड़कर इनकी जीवन रेखा पर मुझे कोई डिस्टर्बेंस दिख नहीं रहा, अच्छी खासी जीवन रेखा आगे बढ़कर यहाँ पर चल रही है और अप टू एंड तक जा रही है, तो ये अच्छी खासी जीवन रेखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ये इतने से ठहराव इनके जीवन में आएंगे। अब चलते इनकी फेट लाइन पर। फेट लाइन को देखें
तो चंद्र पर्वत से शुरू हुई और यहाँ आकर अटक गई, और यहाँ से एक जीवन का अलग अध्याय शुरू हुआ लगभग 34 के आसपास से या 33 के आसपास से, और ये इस तरह से घूमी। अब इनकी जीवन फेट लाइन को देखें तो ये जो पीरियड होगा यहाँ ज़्यादा आर्थिक उत्पत्ति हुई नहीं होगी, क्योंकि जब भी आपकी फेट लाइन मोटी होती है तो ज़्यादा अर्निंग नहीं होती आपके जीवन में। और इसी फेट लाइन पर देखें तो लगभग 27, 28, 29 के आसपास एक रेखा ने काटा है, और एक हल्की सी रेखा ने उम्र 35-36 के आसपास काटा है, और एक एक कट और यहाँ पर है, और एक ये 40-42 के आसपास कट है। इसको छोड़कर कोई कट इनकी फेट लाइन पर नहीं है, और यहाँ से इनके जीवन का विकास भी अच्छा खासा हुआ होगा, और ये गुरु पर्वत की ओर जा रही है, और यहाँ से एक और फेट लाइन निकल कर इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल इनकम तो अच्छा खासा करेंगे, बहुत प्रोग्रेस होगी इनके जीवन में, और छोटी मोटी बाधाएं व्यक्ति के जीवन में आती है, छोटी सी रुकावटें हैं, कोई ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। वो पीरियड पूरा होते ही जीवन की गाड़ी वापस रफ्तार पकड़ेगी। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।